अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आसमा ब्लॉग्स। जी दोस्तों, आज मेरे किचन में बनेगा पूरी भाजी, जो कि नाश्ते में भी भाजी काम आ जाएगी और यही भाजी आफ्टरनून लंच में भी काम आ जाएगी दाल चावल के साथ। सो दोस्तों, मैंने कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे राई दाना। राई दाना चटकने लगे तो आप इसमें शामिल कीजिए कड़ी लीव, कड़ी पत्ता। उसके थोड़ी ही देर के बाद आपको कांदा ऐड करना है चॉप करके। टमाटर यूज़ नहीं करेंगे इसमें, ये सादी भाजी है। सेम टाइम पे हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से सौते करेंगे और लिड को कर देंगे थोड़ी देर के लिए कवर। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हम शामिल करेंगे इसमें और अच्छी तरह से उसको सौते करेंगे। अब हम इसमें बॉयल आलू डालेंगे, जो कि हमने पहले से ही बॉयल कर लिया था। चार आलू को मैंने बॉयल किया था, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें मैंने जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब मैं कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल दूँगी, साबुत ही डालूँगी क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं। जिनको नहीं खाना है वो हाथ से निकाल के साइड में रख देंगे। मुझे बहुत पसंद है तो मैं सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, सब के साथ अपना मिर्ची खा लेती हूँ। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पत्ती और लिड को कर देंगे थोड़ी देर के लिए कवर। उसके बाद हम सौते कर लेंगे, चला लेंगे और सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। आलू जो हमने बॉईल करके स्मैश करके रखे थे हल्दी और जीरे के साथ, वो इसमें शामिल कर ले। अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पत्ती, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। कसूरी मेथी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आधा कप पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो, बट मुझे ड्राई फॉर्म में चाहिए क्योंकि पूरी के साथ खाना है और सूखी भाजी अच्छी लगती है हमें। बाकी आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसा फॉर्म चाहिए आपको। लीजिए, भाजी तैयार हो गई हमारी। अब हम तैयारी करेंगे पूरी की। सो एक अलग कढ़ाई में मैंने तेल ऐड कर लिया है। तेल को हीट कर लीजिए, गर्म करने के बाद ही पूरियाँ डालिए। मैंने रोटी बना ली थी एंड मैंने प्लस शेप में उसको कट कर दिया था, ट्रायंगल शेप में। बीच में से एक कट करना है और एक सामने से कट करना है। अब तेल हो चुका है गर्म, ट्रायंगल शेप में दिया है। धीरे धीरे एक एक करके पूरियाँ डालिए और उसे फ्राई करके अच्छे से निकाल लीजिए। अब मैंने कुछ पूरियों को सर्कल शेप में कट किया था बच्चों के लिए, तो ये मेरी सर्कल पूरी अभी रेडी हो गई है। मैंने डीप फ्राई कर लिया है उसे। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपीज़, ब्लॉग्स, वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो लीजिए, पूरियाँ रेडी हो चुकी है। अब मैं सारी चीज़ों को करती हूँ डिश आउट। गर्मा गर्म पूरी भाजी रेडी है। एक बार ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से पूरी भाजी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।